लखनऊ के गोसाईगंज में बीती रात बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक सुंदरलाल को उसी के गांव के रहने वाले कल्याण ने पुरानी रंजिश के चलते बांके से काटकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि कई साल पहले मृतक ने आरोपी के पिता की हत्या की थी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जब जेल से छूट कर आया तो आरोपी ने उसी का बदला लेते हुए बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी के कड़े निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस ने 8 घंटे के अंदर आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया है। हमारे यहाँ एक गांव है रामपुर करके है, वहाँ पे कल सुंदरलाल की हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक के पुत्र ने तहरीर देकर मुकदमा लिखाया था। इस पर क्राइम नंबर 464/19 धारा 302 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कल्याण सिंह आरोपी था। इसको श्रीमान SSP महोदय के निर्देशन में टीम गठित करके आरोपी कल्याण सिंह को महज 8 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया।